दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ बुद्धिज्म इन नॉर्दर्न इंडिया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हमारे देश में कि बहुत सारे रिलीजन सेक्ट्स आस्तिक और नास्तिक खास करके नॉर्दर्न इंडिया में और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो रिलीजन था वो था बुद्धिज्म और इसके बाद में जैनिज्म और उसके बाद में आजीविका ये सभी को नास्तिक कहते हैं और हिंदू फिलॉसफी और रिलीजन आस्तिक कहते हैं। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बताएंगे वो है राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड इट्स फिलॉसफी रिलीजियस प्रिंसिपल्स इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों जो राइज ऑफ बुद्धिज्म या जैनिज्म या आजीविका या 62 विभिन्न जो संप्रदाय जो हिंदुस्तान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी या 3री शताब्दी में जो पैदा हुआ उसके रीजन क्या थे। तो पहला कारण ये था यूज ऑफ आयरन एक्सटेंसिवली इन गंगेटिक बेसिन और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि आयरन का भरपूर इस्तेमाल होने से जो मिडिल गंगेटिक बेसिन है जो अप टू चंपा मतलब अभी के जमाने में भागलपुर कहेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस इलाके में जंगलों को सफाया किया गया उसे जो जमीन को है उसको रिक्लेम किया गया खेती के लायक जमीन बनाया गया कि खेती जो है वो अब इस्टेब्लिश हो गया है खेती एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हो गया है और अब ये जो खेती है वो जो हम वैदिक काल में देखते हैं कि केवल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी था वो अब क्या हो गया है सरप्लस इकोनॉमी। और दोस्तों इसका रिजल्ट क्या हुआ इसका रिजल्ट ये हुआ किसी भी इकोनॉमी सरप्लस होता है तो सिविलाइजेशन या सभ्यता का उदय वहीं से होता है। व्हाट इज सिविलाइजेशन तो हमारे देश में खास करके पूर्वी भारत में हम क्या देखते हैं आज के बिहार और यूपी पंजाब ये जो पूरा इलाका है कि स्टेट फॉर्मेशन हुआ और हमें अंगुत्तर निकाय जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके माध्यम से हमें पता लगा कि उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। कलिंग के बारे में जानकारी मिलती है 7-8 जो है वो रिपब्लिक के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें कि वज्जी रिपब्लिक जो वैशाली में था वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रिपब्लिक था। अब दोस्तों इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि यूज ऑफ मेटालिक मनी जो क्वाइंस का जो इस्तेमाल इस पीरियड में होने लगा वो पहले कभी नहीं हुआ और इसको बोलते थे निस्क। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं राइज ऑफ सिटीज बहुत सारे शहरों का उदय हुआ जैसे राजगीर पाटलिपुत्र वैशाली कौशल ये बहुत सारे सिटी का उदय हुआ पूर्वी यूपी में और बिहार में। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो था कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड डिवाइडेड सोसाइटी तो उसमें हम क्या पाते हैं कि वर्ल्ड फॉर्मेशन हो रहा है मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम क्या देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था समाज में पूरी तरह से स्थापित हो गया है एक वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी की स्थापना हुई है और जिसमें हम क्या देखते हैं कि अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें वैश्य और शूद्र उनकी जो ताकत है वो ज़्यादा हो गई क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला एग्रीकल्चर पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गया और सब जो टैक्स पेयर था उस जमाने में वो कौन था वैश्य जो पीजांट्स का काम करते थे कैटल रियरिंग का काम करते थे और ट्रेड का एंड कॉमर्स का काम करते थे लेकिन जो वर्ण हायरार्की था उसमें उनका स्थान तीसरे नंबर पर था हालांकि उन्हें भी द्विज कहा जाता था मतलब ट्वाइस वर्ण कहा जाता था लेकिन जो उनको पावर एंड प्रिविलेज होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। दूसरी बात यह थी कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो सिस्टम था उसमें क्या था कैटल स्लॉटरिंग माने जानवरों को पशुओं को बलि देने की प्रथा धड़ल्ले से चल रही थी
और ये हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक था, क्यों कि उस समय में जब आयरन का इस्तेमाल हुआ तो ब्लॉक या हल जो, क्योंकि उस समय में खेती तो हल से ही होते थे और हल के लिए ब्लॉक लगता था, ऑक्स लगता था, तो उसके माध्यम से खेती होती थी। और अगर आप कैटल को ही आप बलि देने लगेंगे तो क्या होगा, कैटल का जो वेल्थ है उस पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके अलावा हम उस पीरियड में क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइबल सोसाइटी थे, आज की तारीख में जैसे मान लीजिए झारखंड का इलाका या अन्य जो जंगल इन्फेस्टेड एरियाज जहाँ ट्राइबल्स रहते थे, वो भी धड़ल्ले से कैटल स्लॉटरिंग का काम या बलि प्रथा देने का काम करते थे, तो इससे एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा था। दूसरा, उन्होंने जो बर्न डिवाइडेड सोसाइटी था उसमें धर्मसूत्राज या धर्मशास्त्र जो उन्होंने लिखे थे उसमें क्या बताया था कि सूद लेना या सूद देना ठीक नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो ब्याज की बिना ब्याज के तो या लोन के आप कारोबार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुद्धिज्म का राइज हुआ। बुद्धिज्म का जो उदय हुआ उसके पीछे हम क्या देखते हैं कि वैश्य और शूद्र कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा ताकतवर होना, और उन्होंने देखा कि जो वर्ण ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है वो उनके व्यापार वाणिज्य के लिए एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है, तो इसीलिए इन कम्युनिटी ने, इन वर्णों ने बढ़ चढ़ करके दान देना शुरू किया, और इस कारण से हम देखते हैं कि इस पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ, और ये पूर्वी भारत में काफ़ी उन इलाकों को पूरी तरह से प्रभावित किया। और एक और फैक्टर था जो आर एस शर्मा का ये कहना है कि रिएक्शन अगेंस्ट न्यू सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर, जो जिस तरह से धड़ल्ले से सिक्के का प्रचार प्रसार होने लगा, मनी इकोनॉमी होने लगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हो गया, लोग जमीन को खरीद सकते थे, बेच सकते थे, तो इस परिस्थिति में कुछ लोगों को रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था इंग्लैंड में तो उसके खिलाफ में भी रिएक्शन लोगों को हुआ, और उस प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे लोग गांव में चले गए। तो इस तरह से छठी शताब्दी ईसापूर्व में भी बहुत सारे लोग जो है वो जो मनी इकोनॉमी था उसके खिलाफ हो गए, और वो भी एक कारण था राइज ऑफ बुद्धिज्म का, क्योंकि बुद्धिज्म बौद्ध धर्म समतामूलक समाज की स्थापना कर रहा था, एसेटिज्म की बात कर रहा था, संन्यास की बात कर रहा था कि आप उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत है, सिंप्लिसिटी की बात कर रहा था, और ये लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा था। तो ये जो सारे जो हमने 6 पॉइंट जो गिनाए हैं ये सारे फैक्टर्स थे बुद्धिज्म के राइज होने का। अब दोस्तों जो इसका जो बेसिक फिलॉसफी वो क्या है, तो फिलॉसफी पहला है जो नोबल ट्रुथ है, फोर फोल्ड नोबल ट्रुथ, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जीवन जो है वो पूरी तरह से दुखमय है, और इस दुखमय जीवन का जो कारण है वो है डिजायर, इच्छा, और इस डिजायर को अगर हम जीत लेते हैं, इफ वी कंकर द डिजायर देन निर्वाण कैन बी अटेंड, निर्वाण की तरफ, निर्वाण मतलब साल्वेशन या मोक्ष, हिंदू फिलोसफी में कहते हैं मोक्ष, साल्वेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं, एंड साल्वेशन मीन्स फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये चार जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो जिसको कि फोर नोबल ट्रुथ कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, और उन्होंने क्या कहा कि एट नोबल पाथ या अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने बताया कि डिजायर को या ह्यूमन माइजरी को कैसे हम खत्म करेंगे, तो उसके तरीके भी उन्होंने बताया, और वो तरीका क्या था, पहला राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न,
ये आठ अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी से बचना चाहिए और एक्सट्रीम लग्जरी से भी बचना चाहिए। मतलब ऑस्टेरिटी और लग्जरी के बीच का मार्ग चुनना चाहिए, और जिसको कि उन्होंने मध्यम मार्ग या अंग्रेजी में मिडिल पाथ कहा, मिडिल वे। तो ये उनके फिलॉसफी का बेसिक अंग है। एक और बात उन्होंने कहा, उन्होंने गॉड को मानने से इनकार कर दिया। जैसे कि आपको मैंने हिंदू फिलॉसफी में बताया था कि उसमें क्या कहा था आदि शंकराचार्य ने, कि एक परब्रह्म है जो इस पूरे संसार का नियंत्रण करता है, वो अदृश्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परमानेंट है, उसको वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा जीव, जीव मतलब सॉल। तो हिंदू फिलॉसफी में जो अद्वैतवाद है उसमें हम क्या देखते हैं कि जीव भी है और दूसरा क्या है, ब्रह्म है। और उन्होंने यह भी कहा कि दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अगर भेद है तो इग्नोरेंस के कारण है, अविद्या के कारण है, माया के कारण है। अगर नॉलेज प्राप्त कर लिया जाए, अगर ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो इस अविद्या को माया को हटाया जा सकता है, और तब ब्रह्म में और जीव में कोई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, उन्होंने गॉड को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, और ना ही उन्होंने सॉल माने आत्मा उसको भी मानने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना आत्मा है बुद्ध धर्म में और ना गॉड है, जिसको कि अद्वैतवाद में ब्रह्म कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि जो मनुष्य जो है वो पांच प्रकार के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। पहला क्या है, फॉर्चून माने धन। दूसरा सोशल पोजीशन, सामाजिक स्थिति स्टेटस। तीसरा फैमिली मतलब आप जानते हैं परिवार, बॉडी शरीर एंड माइंड मन मस्तिष्क। ये पांच जो फैक्टर हैं वो इससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, लेकिन दे आर नॉट देयर ट्रू सेल्फ। एक्चुअली में उन्होंने का ये कहना था कि ये दुनिया में ये अपने आप में प्योर नहीं है, और दुनिया में कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, अक्षुण नहीं है, निश्चित नहीं है, नथिंग इज सेल्फ। तो जीव भी नहीं है। और इस तरह से उन्होंने जो कंसेप्ट था वो अनात्मा माने आत्मा और उसके विपरीत अनात्मा, अनात्मा का अंग्रेजी बोलेंगे नो सेल्फ। तो उन्होंने अनात्मा का थ्योरी डेवलप किया, और वो अनात्मा क्या था उसके पांच उन्होंने एग्रीगेट बताए कि उसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। पहला फिजिकल फॉर्म्स माने हिंदी में बोलेंगे रूप, हमारा चेहरा मोहरा जो देख रहे हैं, फीलिंग एहसास या सेंसेशन जिसको कि उन्होंने वेदना कहा, और तीसरा जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन या पाली भाषा में सन्ना, और चौथा म्यूचुअल डिस्पोजिशन मतलब संस्कार, और पांचवा कॉन्शसनेस मतलब पाली में उसको कहते हैं बिनान। तो ये पांच जो है उन्होंने अनात्मा के इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स बताए, और यहीं पर जो हिंदू फिलोसफर हैं वो इनका जबरदस्त क्रिटिसाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जब आपने कहा कि पांच एग्रीगेट हैं, और उसके बाद में आपने बौद्ध धर्म ने भी कर्म थ्योरी को माना, कर्म मतलब कॉज एंड इफेक्ट, रिबर्थ का साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसे हिंदू फिलॉसफी में है, तो सवाल है कि हाउ कैन ए रिबर्थ टेक प्लेस विदाउट परमानेंट सब्जेक्ट टू बी बॉर्न। अब जब आत्मा है ही नहीं, अब कौन सी चीज है जो रिबॉर्न होगा, कैसे दोबारा पैदा होगा। जब आपने रीइनकार्नेशन का थ्योरी
जो हिंदू फिलॉसफी में है वो बौद्ध धर्म में भी है, कर्म का भी जो फिलॉसफी जो हिंदू फिलॉसफी में वो बौद्ध धर्म में भी है। कर्म का फिलॉसफी क्या है कि जो पूर्व जन्म में हम जो भी काम करते हैं या जो जो हमने पाप किए या पुण्य किए उसका इस जन्म में हमें उसको भुगतना होगा, और इस जन्म में जो भी हमने कर्म किया, पाप किया, पुण्य किया, वो अगले जन्म में हमें भुगतना होगा। तो ये है थ्योरी ऑफ कर्म। और री इनकार्नेशन मतलब अवतरण, या जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद में वो पुनः दोबारा दूसरे जन्म में पैदा होता है, दिस इज कॉल्ड री इनकार्नेशन। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म में आपने संस्कृत के श्लोक भी देखे हैं कि जिसमें कहा कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, वो कभी मरता नहीं है, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, काया पूरी तरह से छिन्न हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है जब वो, तो शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, ये बहुत बड़ा डाइकोटोमी और विरोधाभास है कि जब आपने कहा कि पांच एग्रीगेट जो है वो है नो सेल्फ का, फाइव एग्रीगेट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो ठीक है इस जन्म के लिए तो ठीक है। आपने कहा कि नो सेल्फ, तो नो सेल्फ अगर है तो सवाल उठता है कि कर्म का थ्योरी कैसे होगा, कोई आदमी दोबारा कैसे पैदा होगा, व्हेन हाउ कैन ए रिबर्थ टेक्स प्लेस विदाउट परमानेंट सब्जेक्ट टू बी बॉर्न। जब आत्मा है ही नहीं तो हाउ ए पर्सन विल बी रिबॉर्न। तो इसके बारे में बहुत सारे जो हिंदू फिलोसफर हैं वो बुद्धिस्टों पर जबरदस्त आक्रमण करते रहे हैं, और इसको सही ढंग से एक्सप्लेनेशन बुद्धिस्ट स्कॉलर नहीं दे पाए। भिक्षुओं के लिए उन्होंने चार पांच पांच जो है प्रिसेप्ट बताए महात्मा बुद्ध ने, वो क्या क्या था कि किसी भी लिविंग वस्तु को, लिविंग चीज को या जो जीवित है उसको किल नहीं करें, मारे नहीं, नंबर एक। नंबर दो, उतना ही लें समाज से जितनी आपकी आवश्यकता है, टेकिंग व्हाट यू वांट। और तीसरा, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से परहेज करने के लिए उन्होंने नियम बनाए। और चौथा, कि झूठ बोलने से उन्होंने साफ मना किया कि कोई भी बौद्ध भिक्षु वो झूठ ना बोले, हमेशा सत्य बोले। और पांचवा, किसी प्रकार का ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करे, मैंने नशापत्ती का सेवन नहीं करे, चाहे वो भांग का ही क्यों ना हो। तो ये पांच कंडक्ट जो है ना उन्होंने भिक्षुओं के लिए बताए। अब बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के क्या कारण थे, व्हाट वाज द रीजन फॉर द स्प्रेड, मतलब उसके प्रचार प्रसार होने के क्या कारण थे, इसका जो व्यापक रूप से जो प्रचार प्रसार हुआ वो क्यों हुआ। कश्मीर में ही बौद्ध धर्म में दो फार हो गया, और वो क्या था, एक था हीनयान, दूसरा महायान, मैंने अंग्रेजी में लेसर व्हीकल और महायान को बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल, ये दो। हीनयान और महायान में अंतर क्या है, तो आप देखेंगे कि हीनयान में महात्मा बुद्ध को उनके उनका कोई मूर्ति नहीं बनाया जाता था, उनके चिन्ह की पूजा की जाती थी, मतलब जैसे पैर की पूजा या उनके खड़ाओं की पूजा या जिस पीपल के पेड़ के महाबोधि वृक्ष कहते हैं उसके नीचे जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तो उसका डंठल का लोग पूजा करते थे। लेकिन महायान में क्या हुआ, महायान में अब धड़ल्ले से महात्मा बुद्ध के मूर्ति बनाया जाने लगा, और इतिहासकारों का कहना है कि हिंदुस्तान में जो स्कल्पचर जो मूर्ति कला का उद्भव महायान से ही शुरू होता है, और कनिष्क के लीडरशिप में सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, इन इलाकों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जबरदस्त ढंग से किया गया। और आर्ट में भी, स्कल्पचर में भी इसमें बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हमारे पश्चिमोत्तर प्रांत में, और जैसे मैंने आपको बताया इंडो ग्रीक बैक्टीरिया में रहते थे, तो वहां पर इंडो ग्रीक आर्ट की उत्पत्ति हुई, जिसको कि गांधार आर्ट कहते हैं।
मतलब अब महात्मा बुद्ध को ग्रीक स्टाइल में उनकी मूर्ति बनाए जाने लगी, लेकिन जो विषय वस्तु था वो क्या था, बौद्ध धर्म का। इसीलिए इसको बोलते हैं इंडो ग्रीक आर्ट। तो दोस्तों इसके प्रचार प्रसार होने के क्या कारण थे, तो जैसे कि मैंने अपने पहला कारण बताया कि जो वैश्य कम्युनिटी और शूद्र कम्युनिटी, इन दोनों ने बौद्ध धर्म को जबरदस्त रूप से अपनाया, पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि बुद्धिज्म में जिस तरह से एनिमल सेक्रीफाइस या ऊंच नीच का जो भाव था ब्राह्मणिकल रिलीजन में, जो कि बौद्ध धर्म में क्या किया था उन्होंने कि हर व्यक्ति समान है, तो इसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो अनप्रिविलेज क्लास थे, जैसे खास करके शूद्र या पिजांट्स, तो क्या है बहुत ज़्यादा उससे आकर्षित हुए। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर बिहार में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्यों कि वहां पर ब्राह्मणिकल ऑर्डर बहुत ज्यादा इंट्रेंच था, घुसा हुआ था, वहां के अधिकांश लोग शाक्त सेक्ट के, माने ब्राह्मणिकल ऑर्डर में जो आप शाक्त देखेंगे तो बाद में वो शाक्त हो गए थे, माने शक्ति के पुजारी, तो वहां पर नहीं। लेकिन दक्षिण बिहार में साउथ ऑफ गंगा, जो कि अभी अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, तो उन इलाकों में बौद्ध धर्म तेजी से फैला, दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर यूज ऑफ पाली, ये पाली जो लैंग्वेज था वहां का लोकल लैंग्वेज था बिहार का और पूर्वी यूपी का, तो उन इलाकों में जो महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया वो लोकल लैंग्वेज में किया, और ये लोगों के जहन में घुसा और लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे। चौथा फैक्टर था महात्मा बुद्ध की पर्सनैलिटी। आदि शंकराचार्य से पहले हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आदमी कौन हुआ था, महात्मा बुद्ध, क्यों कि लॉजिक में उनको कोई हरा नहीं सकता था, वो तर्कशास्त्र से तर्कों के द्वारा लोगों को कन्विंस करने की क्षमता रखते थे, और इसीलिए अधिक से अधिक लोग उनकी तरफ आकर्षित हो गए। और एक और पॉइंट था कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म का जो स्थापना किया तो उसके बाद में उसका संघ का स्थापना किया, उसमें महिलाओं की भी इंट्रेंस दिया उन्होंने, हालांकि शुरू में उसके पक्ष में नहीं थे, तो और उसका पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो जिसके कारण से बौद्ध धर्म बिहार से और पूर्वी यूपी से निकल करके देश के दूसरे दूसरे हिस्से में फैला, और खास करके जब सम्राट अशोक का पीरियड हुआ तो उन्होंने इस धर्म को श्रीलंका और बहुत सारे सेंट्रल एशिया बहुत सारे इलाकों में उसको प्रचार प्रसार या फैलाने का काम किया है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें जो प्रचार प्रसार में जो योगदान दिया वो दिया वैश्य कम्युनिटी ने। ये जो ट्रेडर क्लास जो अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बहुत ताकतवर हो गए थे बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, तो काफी लोग संपन्न हो गए, तो गांव देहात में उनको जो बड़े जो धनी मानी लोग होते थे उनको क्या बोलते थे, गहपति पाली में, या उसको अभी बोलें गृहपति या गहपति, तो इनके बड़े बड़े घर हो गए, काफी जमीन के मालिक हो गए, तो ऐसे जो धर्म धन का जो कंसंट्रेशन होने लगा, जिसके कारण से वैश्यों ने बहुत तादाद में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को सन्यासियों को दान दिया। और इसी कारण से आप देखते हैं कि जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये गुप्त डायनेस्टी के कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि बाद में बुद्धिस्ट हो गया था, और आपको पता होना चाहिए कि 200 गांव का रिवेन्यू जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के अपकीप के लिए, उसके खर्चे के लिए
गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं ने दान में दिया था, माने ग्रांट्स दिए थे, और जिसके कारण से नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात हो पाया। और उसी तरह से विक्रमशिला और बाद में बल्लभी, ये सारे और तक्षशिला, ये चार पांच यूनिवर्सिटी एंशिएंट इंडिया के प्रसिद्ध हैं। तो काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में दान देने से बौद्ध धर्म का विकास तेजी से हुआ। और बाद में सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क के पेट्रोनेज देने से, बहुत सारे राजवंशों के द्वारा पेट्रोनेज देने से इस धर्म का विकास देश में भी और विदेशों में भी हुआ। इसे हीनयान है, महायान है, और सातवीं आठवीं शताब्दी में एक तीसरा जो इसका सेक्ट है उसको बोलते हैं बज्रयान। अभी जो बज्रयान के जो आप इसको तांत्रिसिज्म भी कह सकते हैं, जब अभी जो हिंदुओं में जो तांत्रिसिज्म का जो राइज हुआ उसका इफेक्ट बुद्धिज्म पर ही पड़ा, और इसमें एक अलग सेक्ट पैदा हुआ जिसको बोलते हैं बज्रयान, डायमंड व्हीकल। अब ये जो इसके जो फॉलोअर हैं आज की तारीख में कहाँ कहाँ हैं, नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में, माने दलाई लामा जो है अभी वहां रह रहे हैं धर्मशाला में, ये भी बज्रयान के ही फॉलोअर हैं, और कुछ सेंट्रल एशिया में। तो और ये बज्रयान का डेवलपमेंट होने से क्या हुआ कि बुद्धिज्म में और जो हिंदुइज्म में अब आठवीं नौवीं शताब्दी के बाद में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, और जब डिफरेंस नहीं रह गए, जब बज्रयान ने भी तांत्रिसिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो उसके बहुत सारे तांत्रिसिज्म के जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, विशेषताएं हैं, जैसे पूजा पाठ, धर्म कर्म, कर्म कांड, तो यह जब बज्रयान वालों ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुओं में और बौद्धिस्टों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। और यह सबसे बड़ा फैक्टर था डिक्लाइन ऑफ, जिसके बारे में हम अभी बताना चाह रहे थे, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का पहला जो कारण था वो था इंट्रेंस ऑफ तांत्रिसिज्म इनटू बुद्धिज्म, और वो दैट रिजल्टेड इनटू ए न्यू सेक्ट कॉल्ड बज्रयान। अब पहला तो फैक्टर था, दूसरा आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी बुद्धिस्ट सेंटर थे, खास करके जो उनके मोनास्ट्री थे, इनमें आकूत धन भर गया था, और जिसके कारण से जो मुसलमान लोगों का जो आक्रमण होने लगा वो उसी पर वो अटैक करते थे, और जिसके कारण से बहुत सारे जो भिक्षु थे वो तो मारे गए, और बहुत सारे जो बच गए वो नेपाल या तिब्बत भाग गए। दूसरा फैक्टर था मुसलमानों का आक्रमण ऑन मोनास्ट्रीज। तीसरा फैक्टर क्या था, तो बाद के वर्षों में बुद्धिस्ट जो प्रिंसिपल्स थे उसमें भी धीरे धीरे उसमें लूजनेस आता गया। ये जैसे कि उसमें महिलाओं की भी एंट्री थी, पुरुषों की भी थी, और चूंकि धन, आकूत धन उनके पास में आ गया था, तो उसके कारण से जो मोनास्ट्रीज है वो करप्शन का अड्डा हो गया, तो करप्शन इनटू मोनास्ट्रीज। चौथा फैक्टर क्या था, आप जैसे कि आप शशांक जो बंगाल में, जिसको कि गौडा किंग कहते हैं, वो हर्षवर्धन का समकालीन था, जैसे कि आपको हम कभी हर्षवर्धन के बारे में हम एक लेक्चर देंगे, तो उसमें हर्षवर्धन ने शशांक को हराया भी था, वो एक कट्टर हिंदूवादी था, और उसने चुन चुन करके जितने भी बुद्धिस्ट थे उसको मारना शुरू कर दिया, और बोध गया में आकर के जो बोधि ट्री जहां पर कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उसको भी उसने काट दिया। तो उसका जो आक्रमण था वो खास करके पूर्वी भारत में, जो जिसको बोलते हैं शशांक, अटैक ऑफ शशांक गौड़ा
ऑन मोनास्ट्रीज। और दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि मौर्यों के पतन के बाद में सुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई, ये और उसके बाद में कर्म डायनेस्टी की स्थापना हुई, डेक्कान में सतवाहन डायनेस्टी की स्थापना हुई। ये तीनों डायनेस्टी जो था वो क्या था, ब्राह्मणिकल ऑर्डर का सबसे बड़ा समर्थक। तो इनने इनके पीरियड में हम देखते हैं कि बुद्धिस्टों का धीरे धीरे पतन होता गया। दूसरी बात कि जिस तरह से टाउन का डिक्लाइन और इंडो रोमन ट्रेड खत्म होने से, हिंदुस्तान में फ्यूडलिज्म या सामंतवाद बढ़ने से, छोटे छोटे राज्यों में तब्दील होने से, और बाद में आपने देखा कि राजपूतों का उदय होगा, तो ये सारे राजपूत राजा जो थे, जिसको ब्राह्मणिकल और बाद में हिंदू धर्म कहेंगे, उसके सबसे कट्टर समर्थक थे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो पेट्रोनेज था जो राजा महाराजाओं का बुद्धिस्टों के प्रति, वो धीरे धीरे पेट्रोनेज समाप्त हो गया और अधिकांश राजा महाराजा जो है वो हिंदू हो या वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के समर्थक थे। तो जब पेट्रोनेज नहीं मिला तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म समाप्त होने के कगार पर हो गया और इसका परिणाम आप देखते हैं कि हिंदुस्तान से वो खत्म हो गया। इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, पहला सबसे इम्पैक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज होने से सबसे बड़ा जो प्रभाव हुआ वो हुआ गंगेटिक बेसिन में एग्रीकल्चर की या कृषि की महत्ता, और जो बलि प्रदान की जो व्यवस्था थी, कैटल स्लॉटरिंग की जो व्यवस्था थी ब्राह्मणिकल ऑर्डर में, वो खत्म हो गया। गाय को, भैंस को या दूसरे दूसरे कैटल को जो बलि दिया जाता था ब्राह्मणिकल ऑर्डर में, वो खत्म हो गया और उसके बदले में जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से उत्तर भारत में इस्टेब्लिश हुआ, और जिसका परिणाम ये हुआ कि शहरों की उत्पत्ति हुई, महाजनपद का उदय हुआ। और एक और जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो मैंने आर्ट के बारे में आपको बता ही दिया है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की उत्पत्ति हुई। एक और जो इसका जो इम्पोर्टेंट है कि बुद्धिज्म में जो मान लीजिए खास करके जो डेटर्स थे, मतलब जो बैंकक्रप्ट हो गए थे या जो स्लेव्स थे या जो सोल्जर्स थे, उनको संघ में आने से पूरी तरह से मनाही किया हुआ था कि ये लोग मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई बैंकक्रप्ट हो जाता और वो बौद्ध धर्म अपना लेता तो जिसने पैसा दिया था उसका तो भारी नुकसान होता। तो इससे क्या हुआ कि समाज में जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार होने से बाद के वर्षों में हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का जो कल्चर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, सेंट्रल एशिया में हुआ, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, इन इलाकों में हुआ, और हिंदुस्तान उसके साथ ही हिंदुस्तान की जो कल्चर थे वो उसका प्रचार प्रसार इन इलाकों में, ग्रेटर इंडिया जिसको बोलते हैं, वहाँ हुआ, जिसके बारे में हम अलग से चैप्टर में आपको बताएंगे। एक बुद्धिज्म का जो राइज का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हिंदुस्तानी समाज में वो क्या था, लॉजिक। बुद्धिज्म लोगों को समझाया कि किसी भी चीज को आप ग्रांटेड नहीं लीजिए, बल्कि देखिए कि क्या उसमें मेरिट है या डिमेरिट है, तभी आप उसको एक्सेप्ट करिए। ये जो लॉजिकल जो रीजनिंग है उसका बढ़ावा हिंदुस्तान में बुद्धिज्म से हुआ। और इसके अलावा बुद्धिज्म के और जैनिज्म के राइज होने से जो लिटरेरी एक्टिविटीज है, जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, जैसे विनय, जैसे बुद्धिज्म में विनय पीटक, धम्म पीटक और अभिधम्म पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक और सुत पीटक, ये तीन महत्वपूर्ण जो पीटक हैं, कोड हैं, जो बुद्धिज्म के आधार हैं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों ग्रंथों की रचना इस धर्म के अंदर में साहित्यिक रचना हुई, जो हिंदुस्तान के कल्चर को बढ़ावा देने में सहायक हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने राइज का सबसे इम्पैक्ट जो हुआ वो हुआ बेटर कंडीशंस अमंग शूद्रास मैन, महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति इस काल में बुद्धिज्म के राइज होने से इस काल में बेहतर हुआ।
क्योंकि अब जो जिस प्रकार से ब्राह्मणिकल ऑर्डर में उन्हें अनेक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव से गुजरना होता था, बुद्धिज्म ने क्या किया, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किया, समता मूलक समाज की स्थापना किया, जहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं है। आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के शेयर करें, दूसरे दोस्तों को बताएं।